अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, क्या हाल चाल है आप सबका? बस ये आज मैं ज़रा वही रूटीन, वही घर के काम। आज मैंने कहा कि चलो बटर चिकन ट्राई करती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था तो मैंने आज बटर चिकन ट्राई किया। और जी, बातें शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यार, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जी, बस जी, बटर चिकन बहुत आसान है और आप लोगों को सबको आता ही होगा, झटपट तैयार होने वाली चीज़ है। बस 1 आवर के अंदर अंदर आपका चिकन तैयार हो जाता है। आपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। चिकन जब मैरिनेट हो जाए तो बस ये 1 आवर के लिए चिकन को मैरिनेट करें। वही मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इन चीज़ों से आप मैरिनेट करके रखते हैं। और उसके बाद आप इसको, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो चिकन को एयर फ्रायर में आप कर लें फ्राई। मैंने एयर फ्रायर में नहीं किया था, मैंने इसको ऑयल में ही फ्राई किया था। तो मैंने इसके अंदर वो जो था, दही थोड़ा सा बचा था वो भी डाल दिया। तो इसको मैंने फ्राई किया। उसके बाद जी क्या करना था, दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, साबुत गर्म मसाले, दालचीनी और वो जो फूल होता है गरम मसाले में, भरी इलायची, ये चीज़ें डाल के उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। जब वो गल गया था, ठंडा हुआ, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसको ग्राइंड करने के बाद वो, हाँ, काजू भी डालना उसमें। तो बस वो ग्राइंड जब हो गया, ये देखिए इस तरह की पेस्ट बन गई थी। फिर मैंने बटर लिया, बटर के अंदर मैंने ये सारा ग्रेवी डाल दी। इस ग्रेवी को अच्छी तरह मिक्स किया और फिर जो इस ग्रेवी में जो हमने चिकन को फ्राई किया था वो डाल के थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट बस इसको मैंने पकाया, बल्कि 10 मिनट ही आई थिंक सो, क्योंकि दोनों चीज़ें पकी हुई थी कि ऑयल अलग हो जाए। इतना भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए। जब ऑयल अलग हो गया तो इसके ऊपर आपने बटर रख देना है और साथ आपने इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अदरक डाल दीजिएगा, पेरी पेरी काट के। सिंपल सी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, बस ये बातें तो हो गई यहाँ तक। आजकल ओमान का मौसम की जहाँ तक हालात बताऊँ तो ओमान में मौसम आजकल अच्छा हुआ है। आप लोगों ने मेरी रील तो देखी होगी, उसमें हम सी साइड पे गए हुए थे। अनाया ने खूब इंजॉय किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। बस ये, और मैं देख रही थी पाकिस्तान में भी, लाहौर में काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा पानी खराब है। तो अल्लाह ताला सब पे को अपने ईमान में रखे, हम साथ साथ ये भी दुआ करते जाएंगे। और बस ये, इसी तरह आजकल मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन घर के काम है कि ख़त्म। जैसे जैसे मुझे लगता है नया भरी हो रही है ना, वैसे वैसे मेरे काम ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो बस अभी मैं व्लॉग्स भी इसीलिए नहीं डाल पाती, व्लॉग बना लेती हूँ लेकिन वो पड़ा रहता है, मुझे उसमें वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता क्योंकि अनाया के साथ मैं बिज़ी होती हूँ। अब उसकी एज ऐसी है कि उसको टाइम देना पड़ता है तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने किया तो बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें कि हाँ जी पीछे शोर है, आवाज़ सही से नहीं आ रही, इस वजह से ना। फिर मैंने अब आज अनाया सोई थी तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर भी कर लेते हैं और आप लोगों को व्लॉग भी मैं डालती हूँ, आप लोगों का हाल चाल पूछती हूँ। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।